खुद जानते हैं पिछले 5 साल में यहाँ हर एक जम्मू कश्मीर रेजिडेंट के फंडामेंटल राइट्स ही नहीं डेमोक्रेसी को भी सस्पेंड किया गया। तो जो इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था वो अब 6 साल बाद आपको इतना वक्त क्यों लगा, तो मेरा पहला वही सवाल है। बट ऑब्वियसली वी वेलकम दिस मूव बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं यहाँ जब से आर्टिकल 370 हटा और सेमी ऑटोनोमस स्टेटस जम्मू कश्मीर का रिवोक हुआ, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो किसी भी तबके के हों दे आर सफरिंग एवरी डे दे सफर, क्योंकि आप खुद देखते हैं यहाँ पे बाबूडम चल रहा है, यहाँ से ऊपर से लाके लोग हमारे ऊपर बिठाए हैं जो एज वाइसरॉय की तरह फंक्शन करते हैं, उनकी यहाँ कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वी आर हैप्पी इन द सेंस वी आर ग्लैड कि अब जो लोगों के मसाइल हैं उनको रिड्रेसल मिलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, यहाँ अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। लेकिन हम वो रियासत हैं जिनका अपना स्पेशल स्टेटस, अपना झंडा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती थी, तो वहां से अब यूटी का सफर हम सब जानते हैं, हमें डिसएम्पावर, डिसइनहेरिट, डिसपोजेस करने के लिए इनने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये इलेक्शन जो अनाउंस भी किया उसका बिल्डअप मुझे बहुत अजीब लगा। हर एक इंडियन स्टेट में इलेक्शन होता है लेकिन कहीं भी इतना आप उसे ब्लो अप नहीं करते हैं जैसे आज किया। तो वी वेलकम दिस मूव बट ऑब्वियसली मेरा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि जिस स्टेट का अपना स्पेशल स्टेटस था उससे आपने हर एक चीज छीन के अब आप ऐसे जताना चाहते हैं कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं, आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी रोबस्ट डेमोक्रेसी, तो आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया। हर एक डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट चूज करें। सो मैं यही आपसे 2-3 चीजें आके यहाँ कहना चाहती थी। थैंक यू। मैडम आगे की तरफ आप इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ, द पीडीपी इज वेरी कंसर्न। हमारे आप में से किसी का फोन बज रहा है? मैडम आप बीच में बता दीजिए। जी आप चाहते हैं मैं उनको कोट करूँ? आप मेरे मुंह में बात डाल रहे हैं। एनीवेज हमारा ये कंसर्न है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। जैसा कि आपने खुद कहा, इलेक्शन डिक्लेयर होने के 12 घंटे पहले लगभग 150-200 ट्रांसफर्स अब्रप्टली आर्बिट्रेरिली एलजी गवर्नमेंट ने किए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए, और हम जानते हैं व्हाट एवर सेड एंड डन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ जो बिहेवियर है इट्स फुल ऑफ प्रेजुडिस, इट्स फुल ऑफ बायस। आप जानते हैं कि वो बीजेपी को फेवर करते हैं और करते आए हैं, और जो यहाँ की बाकी पार्टीज हैं उनके साथ वो कितना हॉस्टाइल रहे हैं। और जैसे आपने आउटगोइंग डीजी के बारे में बात की, आप खुद जानते हैं कि वो कैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इश्यू कर रहे थे, ऑल्दो दैट इज नॉट हिज ज्यूरिसडिक्शन, हिज ज्यूरिसडिक्शन, हिज पर्व्यू लाइज इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। सो ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव एन एप्रिहेंशन दैट दिस इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, इट शुड नॉट फेवर एनी वन पॉलिटिकल पार्टी एंड बीजेपी इन दिस केस। देखिए आज ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तो मैं यहाँ किसी गारंटी से आपको नहीं बोल सकती, और ये जो डिसीजंस होते हैं ये हमारी पॉलिटिकल कमिटी जो है पार्टी की, जो सीनियर लीडर्स हैं वो ये डिसीजन लेंगे विद द पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी, सो आई कैन नॉट आंसर ऑन देयर बिहाफ। देखिए मैं महबूबा जी के बिहाफ पे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती और मैं देना भी नहीं चाहती, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ महबूबा जी विल नॉट फाइट एन इलेक्शन इन अ स्टेट जिसकी वो चीफ मिनिस्टर थी जब हमारा सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था, हमारा स्पेशल स्टेटस था। आई डोंट थिंक शी वॉन्ट्स टू फाइट दिस इलेक्शन, बट आप ये सवाल उनसे पूछेंगे तो बेहतर होगा। और आप अपने लिए क्या आने वाले इलेक्शन में ऐसा लेंगे? देखिए हर एक चीज मेरे बारे में नहीं होती। हम यहाँ अभी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं पिछले 5 साल में। आप खुद देखिए हमें कितना डिसएम्पावर, डिसपोजेस कर रहे हैं, हमें अपनी जमीनों से खदेड़ा जा रहा है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग क्राइसिस है, आपको पता है यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है। सो आई होप दैट दिस इलेक्शन इन सम वे इनको, इनके जो मसाइल हैं उनको रिड्रेस करे। कुछ पार्टी ने मैनिफेस्टो तैयार किया है, क्या पीडीपी का कोई मैनिफेस्टो इसमें
देखिए हमने भी तैयारी स्टार्ट कर ली है एंड इंशाल्लाह विद इन अ वीक टू 10 डेज वी विल बी रिलीजिंग आवर मैनिफेस्टो एज़ वेल। मैम आने वाले इलेक्शन में आप अपनी पार्टी को कहां देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए मैं कहना चाहती हूं कि मरकजी सरकार लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू ब्रेक पीडीपी। आप खुद जानते हैं कि कांच की जैसे टुकड़े टुकड़े होते हैं वैसे ही इनकी कोशिश रही, क्योंकि महबूबा जी एक बुलंद आवाज रही हैं और वो बोलती आएंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह रिगार्डलेस ऑफ देयर एफर्ट्स यू सीन दैट इवन इन द पार्लियामेंट इलेक्शंस वी परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो आगे जाके भी हमें होप है, हमारे जो वर्कर्स हैं दे आर वेरी हैप्पी कि इलेक्शंस अनाउंस हुए एंड वी आर होपिंग दैट यू नो वी पुट अप अ गुड फाइट एंड इंशाल्लाह वी आर होपिंग टू विन। देखिए ये सवाल एवरीथिंग आप देखिए जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो डिस्पोजेशन है, डिसएम्पावरमेंट हुई है, उसका रूट कॉज ये है कि हमारा स्पेशल स्टेटस रिवोक किया। अगर वो नहीं किया होता यहाँ डायरेक्ट रूल आता नहीं और ये लोग ये चीजें नहीं कर पाते। सो ऑब्वियसली इन कश्मीर यू कैन नॉट आइसोलेट वन इशू फ्रॉम द अदर। हम ये नहीं कह सकते कि हम लोकल इश्यूज पे ही लड़ेंगे और इतने बड़े मसले को हम साइड स्टेप करेंगे। इट हैज टू बी वेरी होलिस्टिक, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। यू बिलीव दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विद ऑल पार्टी मेंबर्स रिगार्डिंग दिस इलेक्शन? बात करनी है हमें मिलना जरूरी। इन व्हाट सेंस? इन इलेक्शंस लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस फेयर्स विद आवर पार्टी मेंबर्स। आई फील लाइक जम्मू कश्मीर में जो मरहम लगेगा वो, लेकिन आपको पता है पॉलिटिक्स में यू नो यू डोंट ऑलवेज मिक्स इट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स लाइक तेल एंड पानी, ऑयल एंड वाटर, आप मिक्स नहीं कर पाते। बट आइडियली यस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हियर शुड कम टुगेदर एंड फाइट फॉर व्हाट वाज टेकन फ्रॉम द पीपल। थैंक यू, शुक्रिया।